मैं सोहेल मलिक एडवोकेट, तेलंगाना स्टेट एडवोकेट जॉइंट एक्शन कमेटी का को कन्वीनर भी हूँ और एम ए शकील को कन्वीनर है और सारी टीम की तरफ से आज इत्तला मिली, आज 11 तारीख 7वां महीना 2020 को, कि जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, उनके पास पुलिस जा रही है और उनके सिलेंडर सीज कर रहे हैं, उन्हें अरेस्ट भी किया जा रहा है और केसेस भी बुक कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ में। रीज़न ये बता रहा जा रहा है क्योंकि वो लोग अनऑथराइज्ड और इलीगल तरीके से सेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट होने के इम्कान हैं अगर वो प्रॉपर वे से ना चलाए तो। तो मेरी कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप ही के बयान के हिसाब से 2 महीने पहले एक स्टेटमेंट जारी किए थे, प्रेस स्टेटमेंट में आपने ये कहा था कि एक ऑटो वाला लॉकडाउन के दौरान खाने के लिए बाहर निकला था तो पुलिस ने उस पर लाठी चार्ज किया था, तो आपने और फिर वो ऑटो वाला मजबूर होकर अपने ऑटो को जो है सो तोड़ फोड़ किया, वो वीडियो वायरल होने पर आपने कहा था कि इंसानियत का आप जो है सो अपनी सबब बताए थे, आप बात रखे थे कि इस तरह से पुलिस वालों को लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए और वो पेट के लिए निकला है, रोज़ी रोटी के लिए। तो इससे ये वो सिचुएशन को अगर आप कंपेयर करेंगे आज की तारीख में, वो भी लॉकडाउन वायोलेट किया था, और आज की तारीख में जो है सो लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन नहीं मिलने के वास्ते में। क्यों नहीं ऑक्सीजन मिल रहा है? इसकी मेन जड़ ये है कि हॉस्पिटल्स वाले यहाँ पर एडमिट नहीं कर रहे पेशेंट्स को, चाहे वो बुखार हो या छोटा सा फ्लू हो या कोई और भी रीज़न हो। इक्का दुक्का जो हॉस्पिटल से वो लोग सिर्फ देख रहे हैं, अगर बुखार है तो टेस्ट भी नहीं कर रहे, फीवर है तो टेस्ट भी नहीं कर रहे, वो लोग वैसे ही भेज दे रहे। अगर सांस लास्ट, उन लोगों को मालूम है कंडीशन क्रिटिकल है, इवन उसको बचा भी जा सकता है, यानी नॉर्मल वे में भी हो सकती है, लास्ट मोमेंट में आ गया, डेथ के करीब है, वो मरने के सिचुएशन में है, तो भी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर प्रोवाइड करके उसको बचा भी जा सकता है या आसानी से उसकी मौत हो सकती है, लेकिन वो लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, बावजूद गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है कि हॉस्पिटल जो है सो मिनिमम ये वेंटिलेटर के लिए और बेड चार्जेस वगैरह जो है सो ये चार्ज करें। तो जो कॉरपोरेटर्स बड़े हॉस्पिटल्स है, यशोदा अपोलो, वो लोग जो है सो एडमिट कर तो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो ऑर्डर इशू किया गया उसको तो ठोकर मार दिए वो लोग, और डेली 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये वो हिसाब से बिल बना रहे हैं। अल्लाह वालम, ऊपर वाले को मालूम कि वो लोग को जो है सो वाकई में वो बीमारी है या नहीं है। और दूसरी चीज़ ये वजह बनी, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे सवाल भी है साथ साथ, और हुकूमत से भी सवाल है कि क्या आप लोग तो ये ऑक्सीजन जो जान बचा रहा है गलत तरीके से ही सही, लेकिन अच्छा काम कर रहा है, सही इंसानियत का काम कर रहा है, उसके ऊपर केसेस बुक कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने इस हॉस्पिटल वालों के ऊपर केस बुक किया जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं बिल्स? और क्या आप लोगों ने क्या एक्शन लिया जो हॉस्पिटल्स जो उसको एडमिट नहीं कर रहे पेशेंट्स का? इसका आप हमें जवाब दीजिए। अहम चीज़ ये है, और मैं ये पब्लिक को अदबन गुजारिश करूँगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है 7893895882, रिपीट कर रहा हूँ 7893895882, और ईमेल आईडी है एडवोकेट्स advocatesjack@gmail.com। इस पर आप रابطہ करिए। अगर कोई भी हॉस्पिटल्स हैदराबाद में, सिकंदराबाद में किसी भी वजह से आप लोग को एडमिट नहीं करते हैं, रीज़न बेस्ट नोन टू देम, कोई भी रीज़न रहें दो, चाहे वो अगर नहीं करते हैं, आप लोग हमें रابطہ करिए, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर, और हो सका तो ये गवर्नमेंट के ऊपर जो लापरवाही बरतेगा वो लोगों के ख़िलाफ़ में हम केसेस फाइल करेंगे, कॉम्पनसेशन डैमेजेस भी क्लेम करेंगे, जो लोग मर चुके हैं माजी में और मर रहे हैं उनकी लापरवाही की गलती से और मरेंगे, सबके लिए हम लोग इंशाल्लाह फाइल करेंगे।